9 तारीख की रात को 12 बजे के पहले 11:20 पे 11:15 बजे मेरे पास 2 झटके 20,000 के दे दिए। फिर 12 बजे बाद तारीख चेंज हुई 10 तारीख को अर्ली इन द मॉर्निंग 5:15 बजे फिर 20,000 के 2 झटके दे दिए। न मैंने कोई ATM किसी को दिया, न कोई मैसेज मेरे पास किसी का आया क्या। और मेरे को सुबह सत्संग में आना था 10 बजे, इस बार को सत्संग में था, वापस आ रहा था जो कोई फ़ोन आया तो उसमें मैसेज देखा 4 फिगर, मैंने कहा इतने जल्दी कौन क्या कर रहा है, देखा तो 20,000 के 4 विड्रॉल हुए हुए। फिर मेरे पास पासबुक तो थी, मैंने ATM में उसमें एंट्री कराई पासबुक में, उसमें लोकेशन आई दिल्ली जकीरगंज और फ्रेंड्स कॉलोनी, दो जगह से 20,000 के सामने 4 निकले। कौन सी बैंक में अकाउंट है? मेन SBI में। मुकदमा सिविल लाइन थाने, अभी कॉपी ले ही रहा हूँ इसकी। अच्छा, कितने पैसे? 80,000 रुपये। 20,000 निकले आपके? हाँ, 4 बार। उसके उसके सेकंड डे 1,00,000 रुपये और निकले थे वैशाली के अंदर, वो भी उसी की भी लोकेशन दिल्ली से, किसी और की। हाँ, किसी और की, इसमें था कोई पॉलिटेक्निकल लेक्चरर था, उसकी फोटो वगैरह भी आई थी सेकंड डे अखबार। नहीं, आपके यहाँ कोई फ़ोन भी नहीं आया? मैसेज नहीं नहीं आया। निकल के पैसे? हाँ। तो क्या लगता है आप ठगी के शिकार हो गए? ठगी के शिकार ही हुए हैं और क्या, किसी को कुछ नहीं दिया, फैमिली को ही मालूम नहीं है मेरा आईडी वो प्रूफ क्या है। पैन कार्ड भी नहीं है? वो भी नहीं आपका ATM कार्ड भी नहीं आपका? ATM कार्ड तो बंद करा दिया ना मैंने उसी दिन सेकंड 10 तारीख को ही। बैंक में इन्फॉर्मेशन दे दिया हैं? बैंक में बता दी? हाँ, बैंक में दे दी। क्या बैंक वालों गलती मानते क्या? बैंक वालों की गलती है इसमें और क्या करें, अब सारे कैमरे वगैरह सारे फुटेज लग रहे हैं, उसके बावजूद ऐसी अगर हालत हो रही है कौन जिम्मेदार है? क्राइम क्यों बढ़ रहा है इतना ज़्यादा? आपने शिकायत करी? शिकायत कर दी मैंने, बैंक में भी कर दी, यहाँ पे भी कर दी। कहाँ पे करी आप? यह थाने में, सिविल लाइन थाना। आपका नाम और कहाँ रहते हो आप? देवी सिंह देवड़ा, रेम्बो रोड निवासी हूँ, क्रिश्चन। क्या करते हो सर? मैं रिटायर्ड कर्मचारी हूँ, साल भर उन्हें आया जलदाय विभाग से।